रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में बड़ा जमीन घोटाले को लेकर ईडी से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी ने बताया कि पूर्व में अंचल अधिकारी जय कुमार राम ने तकनीकी छेड़छाड़ रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर जमीन का बड़ा घोटाला किया है, जिसमें गरीब असहाय लोगों का जमीन दूसरे के नाम कर दिया गया। अगर ईडी द्वारा जांच कराई जाए तो कई बड़े मामले सामने आ सकते हैं। हाल ही में जय कुमार राम रांची के कांकेर स्थित में 700 एकड़ जमीन के कागज में छेड़छाड़ करने के आरोप में ईडी द्वारा मामला प्रकाश में आया था। अगर ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करने का काम किया जाए तो ये बेहद ही सही काम होगा। काफी ये चर्चा बनी हुई थी, एक सिंडिकेट के तहत सारा काम किया गया है। हमारे बीच मौजूद है मांडू के शाहिद सिद्दीकी जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विधायक। इनसे हम जानना चाहेंगे कि मांडू अंचल कार्यालय में जो जय कुमार राम जी के समय में पूरा दुनिया आज जग जाहिर हो चुका है, उनका करप्शन कहाँ कहाँ हुआ है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, जो छेड़छाड़ किया गया है जमीन में। सबसे पहले मैं बता दूं कि मांडू अंचल में जब से अंचल अधिकारी के रूप में श्री जय कुमार राम आए, समझिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार की गंगोत्री को बहा दिया। रैयत का जितना भी काम है वो कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में नहीं हुआ। बिना कोई नीति, बिना कोई सिद्धांत, बिना कोई पेपर देखे सिर्फ आप आइए और दे के जाइए और फिर आप ही मान के चलिए, चाहे वो टिस्को कंपनी हो, चाहे सीसीएल का पुंडी हो, चाहे रौता हो, या भारतमाला जो एक्सप्रेसवे, जो महत्वाकांक्षी योजना जो बनारस कलकत्ता है, उन जमीनों के बारे में कह सकते हैं कि लूट सोट हुआ है। और रजिस्टर 2 हो, दाखिल खारिज हो, या कहिए कि उन जमीनों पर उनका मुआवजा का मामला हो, सभी को फंसा कर ऐसा किया गया कि ये अभी मतलब ये मान के चलिए कि 50 साल तक यहाँ के रैयत रोएंगे, वो आज भी कह सकते हैं कि ब्लॉक आते हैं तो जो अब जो पदाधिकारी लोग आए हैं वो खुद देख के आश्चर्य हो जाए। वो करे तो क्या, क्योंकि वो इतना वो गलत करके चले गए हैं कि मतलब कह सकते हैं सुधार की संभावना फिलहाल तो नहीं है। अब रहा बात कि ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक सबक मिल सके, एक सीख मिल सके, और इससे आने वाले दिनों में जो पदाधिकारी हैं, क्योंकि मांडू बहुत बड़ा अंचल है, 41 पंचायत का है, तो आप अंदाज कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर ONGC में लूट, यहाँ पर कह सकते हैं कि रेलवे में लूट, और GM जमीन में किस तरह से उसको रायती मान्यता करके लूट, कह सकते हैं कि मतलब आइए और बस दे के जाइए आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आपका लूटा जाएगा। यहाँ लूटने के लिए आए थे। भ्रष्टाचार में अगर कोई प्राइज मिलना है 15 अगस्त या 26 जनवरी को, या राज्य सरकार देना चाहता है, तो उसमें इनका नाम पहला रहेगा। जय कुमार राम, समझिए कि सिर्फ और सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, सच्चे अच्छे नेक या सही लोगों का कोई काम नहीं हुआ। ऐसे अधिकारी के ऊपर क्या होना चाहिए? मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं सरकार में खुद हूं और मैं चाहता हूं कि इनका जांच हो, और खासकर ईडी से हो, कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और ऐसे पदाधिकारियों को बर्खास्त किया जा रहा है। इसमें जो जो लोग शामिल है, इनके चट्टे बट्टे लोग भी जो हैं, राहु केतु लोग जो हैं, उन पर कार्रवाई हो, ऐसा कार्रवाई हो कि यहाँ मांडू अंचल के लिए एक नजीर पेश हो कि जो आए वो अब हिम्मत नहीं करे कोई गलत काम करने का, और रैयतों के हक अधिकार को देने का काम करे, उनके साथ इंसाफ करने का काम करे। तो इस कार्रवाई होनी चाहिए। इस खेल में कितने लोग शामिल हैं? एक सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट में सभी तरह के लोग हैं, ऊपर के पदाधिकारी भी हैं और माफिया लोग भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, अपने आप को तथाकथित बोलते हैं कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, लेकिन वही लोग सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी लोग हैं।